हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टअप आयुर्वेदा पर आपका स्वागत है। आज हम आज आपके लिए लेके आए हैं इनो वीएस गैसोफास्ट, दोनों का कंपैरिजन और दोनों के फ़ायदे और कौन सा किसका टेस्ट अच्छा है, किसका टेस्ट अच्छा नहीं है और कौन से फ्लेवर को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम आज। तो पहले हम बात करते हैं इनो के बारे में। इनो जो कि मार्केट में 9 रुपये का मिलता है, पहले 8 रुपये का आता था, अब इस पर MRP 9 रुपये आ रहा है। तो इनो की पैकिंग अच्छी है, थोड़ी सील्ड है। और बात करें हम इनो की, तो इनो का दावा है कि ये गेट टू वर्क इन 6 सेकेंड। तो हाँ, ऐसा आखिरकार मान सकते हैं आप। इनो लेंगे तो इनो पीने से आपको जो डकार आएगी, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपका जो स्टमक है वो हल्का हो गया है। देखो दोस्तों, इसमें जो पाउडर होता है वो एंटी एसिडिक होता है, जो अपनी आंतों में जो जठर होता है हमारा अवश्य में, उसमें जो एक अम्लता बन जाती है ना, जो एसिडिक हो जाती है हमारी बॉडी अंदर से, तो उसको क्विक रिलीफ दे सकता है। इसी तरह दोस्तों हम गैस ऑफ फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। गैस ऑफ फर्स्ट दोस्तों देख रहे हैं आप, इसके ऊपर जीरा छुपा है ना, इसे देखने से ही थोड़ी आयुर्वेदिक सी फीलिंग आती है, बल्कि है तो दोनों आयुर्वेदिक ही हैं। कंपनियां दावा करती हैं कि हमारा गैस ऑफ फर्स्ट और इनो। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इनो की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों इनो ही अच्छे हैं, लेकिन फीलिंग की बात करें तो है तो दोनों ही आयुर्वेदिक। कंपनियां दावा करती हैं हमारा इनो आयुर्वेदिक है, इस पर लिखा है आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन, आप देख रहे होंगे। और ये इस पर भी आयुर्वेदिक का दावा किया गया है, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन। तो देखने से ही नहीं, बल्कि जो ज़्यादा फीलिंग आती है आयुर्वेदिक वाली, वो मैनकाइंड वाले गैसो फास्ट में आती है। मैनकाइंड कंपनी का गैसो फास्ट है और ये है GSK का, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का इनो। इसमें थोड़ी जैसे पैकिंग के हिसाब से ला लो, थोड़ा चटकी सा ये देखने में एलोपैथी, और ये देखने में नहीं बल्कि टेस्ट में भी ये आयुर्वेदिक लगता है। तो मेरे हिसाब से, तो मुझे जो मेरा पर्सनल मैंने एक दो बार यूज़ किया है, तो गैसो फर्स्ट बेस्ट है। फीलिंग की बात करें तो काम तो दोनों करते हैं, प्रमोशन ज़्यादा इसकी हुई है, ऐड ज़्यादा इसकी आती है। तो दोस्तों आप जैसे आपको कोई बदहजमी या आपको ऐसा लग रहा है कि आप मार्केट से बाहर हो, सफ़र में हो और आप बिना डॉक्टर की सलाह से दवाई नहीं लेना चाहते, तो आप मेडिकल स्टोर से इनो का एक पाउच लेके आधा ग्लास पानी में से घोल के पी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको रिज़ल्ट मिलेगा साथ के साथ। इस रिज़ल्ट ये नहीं है परमानेंट, आपको आराम हो जाएगा। रिज़ल्ट ये रहेगा कि आपने जो खाया पिया है और हमारे जठर में जो खाने पीने से खाना हजम ना होके सड़ के उसमें अम्लीय बन गया, वो एसिडिक बन गया है, और जो जलन आपकी नाली होती है खाने वाली उसमें जलन फील हो रही है या पेट भरा भरा सा फील हो रहा है, गैस पास नहीं हो रही है, डकार नहीं आ रही है, तो आप इसे इसकी हेल्प से वो आपका अपना काम कर सकते हो। हाँ, आप इसके एक पाउच को लीजिए और आप फील करेंगे कि आप हल्का महसूस कर रहे हैं। उसके बाद आप रात को खाना हल्का लीजिए या मत लीजिए, तो जैसे अगले दिन आपका पेट फ्रेश हो जाएगा तो कंटिन्यू अपने फ्रेज से चलिएगा, इनो के सहारे से मत चलना, ये लॉन्ग टाइम के लिए नुकसानदायक भी बहुत है। हाँ बहुत नुकसानदायक है लॉन्ग टाइम के लिए, ये मेम्ब्रेन होती है ना, जो आपकी मेम्ब्रेन को लूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में इतना ही कि मेरे हिसाब से मुझे गैसो फर्स्ट अच्छा लगता है, इनो भी अच्छा है। फीलिंग की और पीने की बात करें, टेस्ट इसमें रियलिटी में जीरे का टेस्ट आता है, और आप अपने हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं। हम गैसो फर्स्ट को खोलते हैं, ये डल गया पानी में, क्या बात है। इसके ऊपर आप देख रहे हो ना जो झाग बना, ऐसा लग रहा है जैसे सेंधा नमक डाल दियो, और इसकी महक है ना जो बिल्कुल जीरे की महक आ रही है, इसलिए बोलते हैं इसमें फीलिंग आयुर्वेदिक आती है। और ये इनो की तरह ज़्यादा उछलता फुदकता भी नहीं, भागता भी नहीं, बिल्कुल इसे बोलते हैं। अगर पीने के तुरंत बाद डकार आ गई ना, तो इसे रिजल्ट ही बोलते हैं, डकार इसी भी आती है, बट गैसो फर्स्ट बेस्ट है मेरे लिए। तो आज के लिए सर इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।